दोस्तों, चाबहार पोर्ट सिटी के साउथ ईस्टर्न पार्ट में पाकिस्तानी सुन्नी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश उल अदल ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। जी हां, पिछले एक हफ्ते में जैश उल अदल द्वारा किया गया ये दूसरा बड़ा हमला है। अभी भी कई जगहों पर IRGC जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जो ईरान की सिक्योरिटी फोर्स है, उसके बीच और जैश उल अदल के आतंकवादियों के बीच कई जगहों पर मुठभेड़ चल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरा हमला लगातार पाकिस्तान के टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चाबहार पोर्ट सिटी के इलाके में किया जा रहा है, उसके जियोपॉलिटिकल मायने हैं। एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम का ये हिस्सा है। आपको याद होगा कि अभी 2-3 दिनों पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन का एक खत आया था पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के नाम। जी हाँ, ये दोस्तों आपको ये सब पता है कि जो चाबहार पोर्ट है भारत के लिए पर्शियन गल्फ और सेंट्रल एशिया के दरवाजे खोलता है, व्यापार रूट को खोलता है, और साथ में रशिया से भी भारत का जो ट्रेड है समुद्र के रास्ते से उसके लिए भी ये दरवाजे खोलता है। इसी को डिसरप्ट करने के लिए अमेरिका एक बड़ी साजिश रच रहा है और उसी के लिए उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। जाहिर तौर से पाकिस्तान जिस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस से अभी गुजर रहा है, उसको डॉलर की जरूरत है, उसको पैसे की जरूरत है, और अमेरिका ना सिर्फ IMF के जरिए उसको लोन अप्रूव करवा रहा है, इसके अलावा अमेरिका अपने स्वार्थ को साधने के लिए और साथ में भारत के जो ईरान के साथ जो मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं उसको डिसरप्ट करने के लिए अमेरिका ये चालें पाकिस्तान के जरिए खेल रहा है। और आपको एक चीज और पता होगा दोस्तों कि अभी कुछ दिनों पहले ही तालिबान ने चाबहार पोर्ट में अपने इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी, $35 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात कही थी। क्योंकि चूंकि अभी पाकिस्तान और तालिबान के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पर दोनों के बीच जो है जंग का माहौल है, और चूंकि पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को, अमेरिका ने अभी कुछ दिनों पहले आसिम मुनीर, जो जनरल आसिम मुनीर है पाकिस्तानी आर्मी चीफ, वो अमेरिका गए थे और उसके बाद से ही इस तरह के हमले होते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया था उनके इलाके में, जो कि पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, इसका उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन गेम कुछ और है। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है जिसमें कि अमेरिका इन्वॉल्व्ड है और वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके ना सिर्फ भारत के जो इंटरेस्ट है उसको हार्म पहुंचाना चाहता है, बल्कि ईरान को भी पाकिस्तान के जरिए डिस्टर्ब करना चाहता है, ताकि ईरान अभी जैसा आपको पता होगा कई फ्रंट पर वो लड़ रहा है, उसके जो शैडो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हिजबुल्ला, हमास है और हौती है, ये सारे को उसने इस्तेमाल किया हुआ ईरान ने अमेरिका के खिलाफ, UK के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ। तो इसी सब का बदला लेने के लिए अमेरिका एक तीर से दो शिकार कर रहा है। अमेरिका कभी भी भारत के अच्छे संबंध ईरान के साथ हो ऐसा नहीं चाहता है, और इसी वजह से वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है ताकि भारत का जो ट्रेड इंटरेस्ट है चाबहार पोर्ट के जरिए जो फुलफिल होता है, ना सिर्फ उसको डिसरप्ट करे बल्कि ईरान को भी एक मैसेज दे कि हम अभी हम जब चाहें तुम पर अटैक कर सकते हैं, किसी भी जरिए से तुम पर जो हम अटैक कर सकते हैं, और इसके लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है।